अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे और हमें दुआ में भी याद रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए नई रेसिपी लेके आए हैं। आज हम लोग बनाएंगे ड्राई फ्रूट चिकन, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है माशाल्लाह। और एक और बात यह है कि ये जो बॉम्बे जब अपन जाते हैं तो भिवंडी ढाबा की सिग्नेचर डिश है ड्राई फ्रूट चिकन। चलिए अपने शेफ से जानते हैं इसके क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं और उसको कैसे बनाने इसको कैसे बनाया जाता है। चलिए अपने शेफ के साथ। ड्राई फ्रूट चिकन के लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन। आप बोन वाले चिकन भी ले सकते हैं। आधा किलो ये बोनलेस चिकन है। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च जिसको हमने बारीक काट लिए, चॉप्ड कर लिए, या आप कद्दूकस भी कर सकते हैं इसे। कॉर्नफ्लावर ग्रीन कलर है। दही, काजू कनी, या आप काजू को बारीक काट लें। ग्रीन चिली सॉस, आधा नींबू, एक अंडा और थोड़े से ये टुकड़े भी जाएंगे इसमें। तो पहले मैरिनेशन के लिए इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून, अंडा आधा, ये जो नींबू था ये, इसमें नमक, इसका ये भी चला गया नमक, और इसमें से तो 1 टीस्पून हरी मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें मैं डाल देती हूँ कॉर्नफ्लावर, 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और इनमें से ग्रीन कलर थोड़ा इसमें डाल देंगे, थोड़ा हम ग्रेवी के लिए बचा के रखते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करना है। देखो ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है हमारी, ये बहुत ही अच्छा बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत डिफरेंट है ग्रेवी। इसे 2 घंटे के लिए हम मैरिनेशन के लिए रख देते हैं, जब तक मैं आपको इसकी ग्रेवी तैयार करने का तरीका बताती हूँ। कि इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स हमारा बताना भूल गई थी, इसमें शहद जाएगा। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप गुड़ या शक्कर का यूज़ भी कर सकते हैं, और फ्रेश क्रीम जाएगा। तो चलो मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ। हमने ऑयल गरम कर दिया है पैन में, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये जो चॉप्ड किए हुए जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली थी, ये इसे हमें अच्छे से भूनना है। तो ये जो लहसुन है ये थोड़ा ब्राउन नहीं हो जाए हमें इसे अच्छे से भूनना है, फिर हम ऐड करेंगे इसमें काजू की कनी। सबसे बड़ी बात में ये जो भिवंडी ढाबा है बॉम्बे का काफ़ी फेमस ढाबा है, वहाँ की सिग्नेचर डिश है और काफ़ी ज़बरदस्त ये चलती है। हमने टेस्ट भी किया, मेरी फेवरेट भी है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो हमारे अच्छे ये भून चुका है, और आपको याद रखना है इसे हमें मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, वरना ये जल जाएंगे, इसलिए काजू हम इसमें ऐड करेंगे, काजू कनी। इसे भी हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये थोड़े गोल्डन कलर के, कलर चेंज ना हो जाए इसका, पर हमें मीडियम फ्लेम में ही इसे करना है, वरना ये जो काजू है ये हमारे जल जाएंगे। जब ये थोड़े कलर चेंज हो जाए काजू का, तब हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। इसमें ऐड कर देते हैं हम ये दही, ग्रीन चिली सॉस, इसमें और कोई मसाला नहीं जाता है, सिर्फ पीसा हुआ गरम मसाला, और नमक हम ऐड करेंगे। जो ग्रीन कलर था ये ऐड करेंगे हम इसमें थोड़ा, इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये दही का जो पानी है ये सूख ना जाए, इसे अच्छे से हमें भूनना है। बहुत डिफरेंट है ये ग्रेवी, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। बहुत रिच भी लग रही है। हाँ, बहुत ही टेस्टी भी बनती है ये। देखो हमारी जो दही का पानी है बिल्कुल सूख चुका है, मसाला बिल्कुल पानी, हमारा जो तेल है
वो पूरा छूट गया है, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। अब ये जो हमने हनी लिए थे शेयर, हम ये ऐड कर देते हैं इसमें। फ्रेश क्रीम है ये, हाफ हम इसमें ऐड कर देते हैं और हाफ हम गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हम बचा के रखते हैं। इसे हम थोड़ी देर हमें भूनना है और हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, फिर हम वो चिकन को फ्राई करते हैं। देखिए ये हमारा मसाला जो है भून चुका है, अभी मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और पहले हम वो चिकन को फ्राई करते हैं, फिर इसमें टॉस करेंगे उसे। तेल हमारा गरम हो चुका है, चिकन भी हमारी बहुत अच्छी मैरिनेशन हो चुका है इसका, इसे हम फ्राई करेंगे। देखते हैं हमारे ऑयल गरम हुआ है, ऑयल जो है हमारा गरम हो चुका है, हम इसे फ्राई करेंगे। हमें इसे गोल्डन होने तक थोड़ा फ्राई करना है। इसे आप लच्छे पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हो, एज अ स्टार्टर भी इसे सर्व किया जाता है। देखिए हमारे अच्छे फ्राई हो चुके हैं ये, मैं इसे निकाल देती हूँ। पहले हम सारे चिकन जो है वो फ्राई कर देते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसीजर बताते हैं। ये जो है हमारा फ्राई हो चुका है, मैं इसे भी निकाल देती हूँ। और अब ये फ्राइड जो चिकन है ये हम इसमें ऐड कर देते हैं, चूल्हा स्टार्ट कर देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए हम कम पे इसे रख देंगे। पहले इसे अच्छे से हम ये मिक्स कर लेते हैं। और इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो चिकन है वो मसाले अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। 10 जो ड्राई फ्रूट चिकन है वो तैयार है माशाल्लाह। आज मैं जैसे है आपको बताया कि मेरा फ़ोन काफ़ी डैमेज हो गया था, तो मैं अभी कोई टेम्परेरी कोई फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे माइक भी मैंने लगाया हुआ है। तो चलिए अपन ये टेस्ट करते हैं। ये भिवंडी ढाबा जो है बॉम्बे में काफ़ी फेमस है, उसके यहाँ की सिग्नेचर डिश है ड्राई फ्रूट चिकन, इसको मैं लच्छा पराठे के साथ खा रहा हूँ। और देखिए ग्रीन ग्रेवी में वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये मेरे फेवरेट डिशों में से एक है, ड्राई फ्रूट चिकन मेरी फेवरेट है। सबसे बड़ी बात इसके जो फ्लेवर्स हैं वो अलग सारा, थोड़ा बहुत इसमें मीठापन भी है क्योंकि इसमें हमने शहद यूज़ किया है, काजू भी हमने काफ़ी सारे यूज़ किए, तो उससे क्या है जो फ्लेवर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़बरदस्त वो बन गया है और खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। तो चलिए यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। आप शादाब टॉक्स को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दुआ में याद रखें। हाँ, और अपनी सेहत का ध्यान रखें बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। और एक और बात, आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।